के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे, सांसद संजय राउत और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बिहार दौरे को लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। उनके दौरे पर शिंदे गुट के मंत्री उदय सामंत ने निशाना साधते हुए कहा कि जो उद्धव कल तक 370 को रद्द किए जाने का समर्थन करते थे, वो आज पटना में जाकर विपक्ष की गोद में बैठ गए हैं। उन्होंने पटना में हुई विपक्षी एकता की बैठक को लेकर भी जबरदस्त हमला बोला है। उदय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए विपक्षी दलों का एक साथ आना केवल मोदी महानता को दर्शाता है। उदय सामंत ने अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली प्रतिद्वंदी समूह पर भी निशाना साधा। उदय ने कहा कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने संबंधी अनुच्छेद 370 को अगस्त 2019 में मोदी सरकार ने निरस्त कर दिया था। विपक्षी दलों ने शुक्रवार को पटना में एक बैठक की, जिसमें यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे, उनके बेटे और पूर्व पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे और राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने भी भाग लिया। सामंत ने कहा कि अगले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी फिर से सत्ता में आएंगे। डेस्क रिपोर्ट, मुंबई महानगर।